जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड क्षेत्र के पुनहदा ग्राम पंचायत की मुख्य प्रत्याशी शारदा देवी के लिए वोट उनके पति अवधेश कुमार गांव-गांव घूमकर आम जनता से मांग रहे हैं। आज शारदा देवी मुखिया प्रत्याशी के जनसंपर्क के दौरान रैली निकाला गया और रैली में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुखिया प्रत्याशी शारदा देवी के पति अवधेश कुमार ने कहा कि हमारे पंचायत में गरीबों को इंदिरा आवास नहीं के बराबर मिला है, साथ ही नल जल से लोगों के साथ नाइंसाफी की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे ग्राम पंचायत की जनता हमें अपना समर्थन देगी ताकि हमारी पत्नी शारदा देवी जनता के लिए सेवा कर लोगों को लाभान्वित पहुंचा सकेगी। इस दौरान उनके समर्थक ने भी कहा कि एक बार शारदा देवी को लोग वोट दें और सेवा करने का अवसर प्रदान करें। इस रैली में सभी वर्ग के युवा और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने साथ देकर मुखिया प्रत्याशी शारदा देवी और उनके पति के हौसले को चार चांद लगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमें सभी वर्गों का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। जन सैलाब किनका है? अवधेश यादव, शारदा देवी। शारदा देवी, शारदा देवी को आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, हम लोग मुखिया बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन समर्थन मिल रहा है? हाँ जी जी सर, जन समर्थन है हर जगह से है। अच्छा, कितने गांव में जन समर्थन है? सब गांव में करेंगे, पूरा गांव है, सारे गांव में जी। बिल्कुल ऐसा है कि गरीबों का नेता आदमी है, ऐसा है कि हर एक गरीब को देखने वाले हैं, उसमें से नहीं खाली जो अमीर को चुनते हैं। और आपके भूतपूर्व मुखिया जो पहले वाला मुखिया है वो खाली अमीरों को देखते थे, गरीब को चुनने वाला जैसे अभी देखिए आप सामने आपके आपके मकान नजर आ रहा है, मट्टी का मकान है। बताइए अगर मुखिया रहते तो मट्टी का मकान थोड़े के नजर आता? बताइए खाली पैसा घपला करने वाला काम करते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ से पूरा संलाभ है, यहाँ से देखिए पूरा पंचायत से। कौन मुखिया के प्रत्याशी? शारदा देवी। शारदा देवी, आप शारदा देवी क्या है? शारदा देवी के हस्बैंड हुए। हस्बैंड हुए। अच्छा बताइए, चुनाव का अब आखिरी समय है जी, एक दिन बचा है प्रचार का। जी जी, आप कहाँ अपने आप को देखते हैं? हम हर समाज के बीच में है सर। अच्छा। समाज के सेवक हैं और हर समाज को हम एक साथ लेकर चलने का काम करेंगे। और इसी तरह से मतलब आज 5 साल से हम लगे हुए हैं समाज के बीच में, और आने वाला समय में सदा हम साथ कर कर रहने का काम करेंगे। एक बात और है कि जैसे चुनाव में पहले लड़े? जी लड़े हैं। अच्छा अच्छा, अनुभव होगा? जी सर। बताइए कि पंचायत में घूमे में कई गांव हैं? जी कई। कितना गांव है? 17 गांव। 17 गांव, 17 गांव में घूमे क्या क्या समस्या मिला? समस्या तो बहुत सा मिला है सर, हर जगह मतलब कहीं नल का दिक्कत है, कहीं जल का दिक्कत है, कहीं मतलब नाली नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है, हर जगह मतलब इस समस्या का त्रुटि है सर। जनता क्यों वोट देगी? जनता हमारे साथ हैं, जनता हम सोच रहे हैं कि इंसान एक व्यक्ति है और सब समाज को हम ले के साथ में लेके चलने के लिए तैयार है। तैयार है जी। शिक्षा का क्या हाल? शिक्षा का भी हाल उसी तरह से है, लेकिन शिक्षा का भी सुधार करने के लिए हम बहुत बेहतर से बेहतर तरीके से मतलब सुझाव करेंगे। इंदिरा आवास गरीबों को कितना मिला? इंदिरा आवास तो ये नहीं मालूम है किसी कितना मिला है, लेकिन मिला है, कुछ तो मिला है, लेकिन उसको में बहुत सा घपला हुआ है, लेन देन दुनियादारी हर जगह से हुआ है, लेकिन वो नहीं, हम जो भी करेंगे निस्वार्थ भाव से करने का काम। नल जल का क्या हाल है? नल जल का हर जगह दो चार जगह तो ऐसा है कि अभी पूरे जगह तक पानी नहीं पहुँचने का काम करता है अभी तक। अच्छा, एक बता रहे यहाँ पर देख रहे हैं कि झोपड़ी भी दिखाई दे रहा है जी। झोपड़ी रहा है तो फिर गरीबों की सेवा निवर्तमान मुखिया कैसे करता है? वो देखिए तो समाज के साथ हैं और समाज ऐसे हैं कि से मतलब हम क्या कर सकते हैं, वो देख रहे हैं कि से मतलब वो अति करके मतलब बरगलाने और अति करके काम कर रहे हैं, सो सामने देख रहे हैं। अपना नाम? अवधेश कुमार।